ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला बंगाल और सौराष्ट्र की टीम के बीच खेला जा रहा था। इस मैच में पहले दिन एक हादसा हो गया जब अंपायर को बल्लेबाज की तेज शॉट लगी और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। चेट्टी तोड़ी समुसुद्दीन को मंगलवार को खेल के दूसरे दिन मैच से बाहर होना पड़ा। रणजी ट्रॉफी फाइनल मुकाबले के पहले दिन लंच के बाद पहले अंपायर चेट्टी तोड़ी समुसुद्दीन को एक गेंद पेट के नीचे लगी। गेंद लगने के बाद अंपायर समुसुद्दीन को तकलीफ महसूस हुई और लंच के बाद वो मैदान पर नहीं उतर पाए। उनकी जगह एस रवि मैदान पर अंपायर की भूमिका में नजर आए, जबकि समुसुद्दीन ने टीवी अंपायर की भूमिका निभाई। मंगलवार को मैच का दूसरा दिन और सुबह ही उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दूसरे दिन भी वो मैदान पर पदानभन एकमात्र आधिकारिक अंपायर थे। मैदान पर लोकल अंपायर पीयूष खाखर ने उनका साथ दिया। पीयूष ने मैच में लेग अंपायर की भूमिका निभाई। तीसरा दिन अब चोटिल अंपायर समुसुद्दीन की जगह यशवंत बाटिक को यह जिम्मेदारी दी गई है। मैच के पहले दिन सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। पहले दिन सौराष्ट्र के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की ही भी तबीयत खराब हो गई। पुजारा पहली पारी में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने नहीं आ पाए। छठे नंबर पर उतरने के बाद महज 24 गेंद खेलकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।